News 18, India. यकीनन हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए का साथी होने के नाते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूं एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पर काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं एनडीए में, स्वागत कर रहे हैं, नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं, उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमति हो, हर फैसले से आप खुशी हो, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है।